हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज गए हैं और इनाया मुझे अभी कुछ भी काम नहीं करने दे रही है। ये खड़ी हैं मैडम जी, तो जैसे ही मैं किचन में आती वैसे ही वो चिल्लाने लगती हैं। तो बस वो चाहती हैं कि यहीं पर रहे। और आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है सुबह से 7 बजे से, और 12:30 बज गए हैं। और मैं बताती हूँ मैंने अभी क्या क्या काम किया है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, आज घर की सफाई भी नहीं हुई है अभी तक, और यहाँ इन्होंने तेल भी फैला दिया है। तो बस खाना मतलब सब्जियाँ बन रही हैं, आटा गूंदा हुआ रखा है। तो यहाँ पर आज मैं मलाई जो है तपा रही हूँ, मतलब घी निकाल रही हूँ। तो इसको मैंने स्लो गैस पे रख रखा है और बहुत टाइम बाद मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले जो है हमारे डेयरी पे से दूध आता था तो वो थोड़ा पतला सा आता था, उसमें मलाई अच्छी से नहीं जमती थी, और फिर उसमें से मलाई निकाल लेते तो और बेकार सा दूध हो जाता। तो मैंने जो है उसमें से मलाई निकालना बंद कर दी थी। तो अभी जो दूध आ रहा है वो हम यहाँ से भैया से लेते हैं, तो भैया आते हैं जो गाँव से दूध लाते, तो वो मलाई बहुत अच्छी निकलती है उसमें से, दूध में से। और फिर भी मलाई निकालने के बाद भी दूध बहुत अच्छा रहता है, गाढ़ा रहता है। तो बस इसीलिए खट्टी हो गई थी मलाई, तो मैंने रख दी है। इसमें बनाया आज मैंने टिंडे। बच्चे जो है ना कुछ नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। और भैया रे, तो यहाँ बनाए मैंने ये टिंडे, जो कि मैंने सिर्फ सूखे मसालों के साथ, क्योंकि लाइट नहीं थी, वैसे मसाला भून कर बनाती लेकिन काय से पीसती मसाला, इसलिए मैंने सूखे मसाले डाल के प्याज तल के बस बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ बनाई है मैंने दाल, मूंग मसूर की दाल है ये। यहाँ आटा रखा है, ये बेडरूम मैडम ने रख दिया है आटा रखा है। ये छोले फूल रहे हैं शाम के लिए। अभी बर्तन रखे हुए हैं, पोछा लगाना है, और झाड़ू तो मैंने लगा ली थी लेकिन देख सकते हैं फिर से क्या हाल हो गया है, क्योंकि ये लोग जो है यहीं पर हैं। कंबल अभी उठाकर नहीं रखा है मैंने, रखा हुआ है। और बाहर धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज लेट क्यों हो रही हूँ, वैसे मुझे पापा को भी खाना देना है, सब्जियाँ तो बन गई, बस रोटी सीखना है। तो मैं सोच रही मैं दे दूँ, लेकिन ये मैडम है जो पापा पापा चिल्ला रहे हैं, पापा यू नो पापा 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 कहाँ है पापा, पापा जल्दी आ जाओ। हाँ पापा, पापा जा रहे हैं जल्दी। जब से गए से इसी तरीके से आवाज ला रहे, जल्दी जल्दी आ जाओ पापा, जल्दी आ जाओ, आ जाओ पापा, आ जाओ पापा। नहीं इसमें नहीं दिखा, वीडियो नहीं बना, आ जाओ जल्दी। कहाँ पे गए, कहाँ पे गए पापा, किधर गए पापा? हाँ जोई 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 किधर जीशान कहाँ है जीशान, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ जीशान। हाँ आ जाओ, आ जाओ के ना, आ जाओ आ जाओ, हाँ खड़े हो जाए भैया, खड़े हो जाए पापा, पापा जी सां जल्दी आ जाओ। उतर गए दुकान पे, गए कहाँ, चूहा है हट, भगा दो चूहा हट, भाग गए चूहा, इले चुपकली कहाँ है जी। तो बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये लोग कर लूँ, क्योंकि जीशान और ये रहते हैं तो ये इसको देखते रहते हैं, मैंने ये क्या है कहीं इधर घुसती है उधर घुसती है, उसका डर लगता है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, इधर सामान लेने आए हैं आज, जो ख़त्म हो चुका था तो वो लेने आए, अभी ले लेते घर पर मिलते।
आज आया है हमारे यहाँ पर ये सामान। ये तो बच्चों का चलता ही रहता है, चिप्स मिलती नहीं है इसलिए इनको जिस दुकान पर ये मिल जाती हैं तो ज़्यादा लेकर आ जाते हैं। और यहाँ इनाया खा रही है अपने ये बिस्किट, इसके लिए लेकर आए हैं ये जो काजू वाले बिस्किट आते हैं ना, ये इसको अच्छी लगती है। घर पे बनते हैं वो नहीं खाती है, ये मार्केट के खाती है ये। और इस बार वही सामान आया है जो मतलब रमजानों में लग रहा है, इसलिए ये बिस्किट लेकर आए हैं। ये पहले लेकर आए थे, खा लिए बच्चों ने। इस बार चाउमीन मंगाई है मैंने इफ्तारी के लिए। और ये मैदे का पैकेट है, सूजी का पैकेट है, क्योंकि ये ज़्यादा ही लग रहा है मैदा सूजी। चाट मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसलिए चाट मसाला लेकर आए, तो इस बार वो दो पैकेट लेकर आए क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मंगाया, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया इस बार क्योंकि हर चीज़ में डाले। और ये हार्पिक है और चाउमीन के दो पैकेट और एक पाव, हमारे लिए पाव लाए हैं। ये दो पाव मैं खाती हूँ शहरी के लिए मंगाए मैंने। और ये पास्ता लेकर आए हैं, ये है मेरी मैगी, ये इनकी मैगी नूडल। ये मैंने कलौंजी मंगाई है तो इसके काफ़ी सारे फायदे मैंने मतलब सुन रखे हैं, तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कलौंजी में भी यूज़ करूँगी मंगाऊँगी, क्योंकि इसको खाने से हर मर्ज सही हो जाता है, इसमें इतनी शिफा दी है तो इसीलिए, और पापा जी के लिए भी सही रहेगी इसलिए मैंने ये कलौंजी मंगाई है। मिर्ची लग जाए, छोड़ो 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 छोड़ो। और मतलब हर चीज़ के पैकेट वो दो दो लेकर आए, दो सूजी के मतलब 2 किलो सूजी, 2 किलो मैदा, 2 पास्ते के पैकेट, 2 मैगी के पैकेट। और ये इन्नू और आलिया में वही लड़ाई, क्या हो गया इन्नू, क्या हुआ, क्या चाहिए, पास्ता वो समझ रही, वो वाला पास्ता है, ये तो दूसरा वाला पास्ता बेटा, सादा वाला, मैगी वाला नहीं है जो तुम्हारे अभी लेकर आए थे पापा। ये इफ्तारी भी बनाएंगे बड़े, हाँ जी सन कह रहा था ना हमें पास्ता खाना, पास्ता खाना। और ये लेकर आए हैं ये जो मतलब इफ्तारी बांटने के लिए, तो जैसे बिरयानी वगैरह बनाऊंगी ना तो उसमें बांटने के लिए लेकर आए हैं। 50 पैक मंगवाए मैंने, फिर बाद में फिर मंगा लूँगी। और पॉलीथीन भी मंगाई है, तो बस खाली इफ्तारी के लिए ही सामान मंगाया मैंने, वैसे तो और सामान आ गया था ग्रोसरी का, लेकिन ये चीज़ें नहीं मंगाई थी मैंने अभी तक, पास्ता और मैगी। और सूजी मैदा तो हर बार आ रहा है, बहुत लग रहा है मैदा, ज़्यादा लग रहा है सूजी भी, तो सूजी के मैं वो बनाऊँगी पैन केक वगैरह, नमकीन सब्जी वगैरह वेजिटेबल वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो बनाऊँगी। इन्हों क्या है, तो सुबह से ही सामान रखा हुआ है, अब मैं रखूंगी। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो गए हैं, तो बस ये रख देती हूँ और फिर पढ़ते हैं नमाज। और आज हमारे यहाँ ये बहुत जोरों की आंधी है बेटू, और आज हमारे यहाँ लाइट सुबह से गई थी तो 4 बजे आई है और अब फिर से लाइट चली गई है क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, इस वजह से लाइट बार बार जा रही है, खराब हो रहा है इसलिए। हैं और बताएं मैंने ऐसे हाथ करा पानी के, पानी हो गया। दादी ने डाला, दादी ने पानी डाल दिया। हाँ, अच्छा मेरे हाथ में, अच्छा इसलिए ना सही करो मेरी, मुझसे हैं है मेरी हाथ पकड़ा दादी ने। अच्छा बताए हैं, और है ना मुझे मैं फोन दी, मैंने दादी से पूछा आप कहाँ पे, अच्छा है फिर हाथ पकड़ा दादी ने मेरी, अच्छा हाँ, और फिर उठा था और है ना ऐसे उठी मैं उदी उदी, और फिर है ना स्टार को देखा ही, और है ना नानी भाई थी मेरे नाम है हैं दादी, है ऊपर था गाड़ी,
अल्लाह पाक ने साड़ी लाई ना, अच्छा इसलिए आ रहे थे अपनी वो अपनी अपनी सीखी में, अच्छा और है ना, और है ना नानी भी कुछ हो गए तो आ गए पूछ गए फिर खुश हो गए जो है। आपको कोई भी रेसिपी नहीं मिलेगी क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी में बनाया। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ये पुलाव की रेसिपी जो है बनाऊंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन बहुत जल्दी था क्योंकि आज मैं काम में भी बहुत लेट हो गई थी और फिर उसके बाद जो है और भी काम थे। तो जिस दिन सामान आता है ना उस दिन मेरे लिए बहुत काम हो जाता है, बहुत लेट भी हो जाती हूँ। तो आज ये सामान आया था तो इसको साफ़ करने में, घर का काम करने में और हो जाता है, घर में कभी कभी कुछ काम ज़्यादा निकल आता है। आज फैन वगैरह भी साफ़ किए तो क्योंकि 2-3 दिन से सोच रही थी गंदे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी डस्ट पकड़ लेते हैं, इतने गंदे लगने लगते थे सर, कितने दिनों से साफ नहीं किए तो बस वही काम मजाज टाइम लग गया और एक्स्ट्रा काम निकालने की पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है। तो बस इसीलिए मैंने आज रेसिपी शेयर नहीं की, बहुत जल्दबाजी में बनाया है तो बस बन जाए क्योंकि इस तैयारी से पहले ही सबके यहाँ पहुँच जाए जिसके यहाँ देना है। वैसे तो हमारे आसपास से इतने घर नहीं हैं, थोड़े बहुत घर हैं लेकिन पुरानी सीपरी साइड जाएंगे तो उधर देखो किसके यहाँ दिल जाता है। क्योंकि फिर ये रहता है ना कि अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि ये लगता है कि कोई लेगा कि नहीं लेगा, इसी डर की वजह से मैंने नहीं बनाया था। वरना रमज़ानों में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन हमारे यहाँ से इफ्तारी नहीं जाती थी, तो रोज़ मतलब इफ्तारी बनती थी और रोज़ जिसके हम देते हैं, जैसे हमारे काम वाली आंटी आती थी ना उनके यहाँ पूरा परिवार है उनके यहाँ भेजते थे, लेकिन इस बार पानी बरस ले रहा है। हाँ पानी बरस रहा है ना कि रोजदारों को गर्मी लगती है ना, इसलिए अल्लाह पाक पानी बरसाते हैं उनके लिए। दिन भर गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बस अभी मैं कर लेती हूँ ये काम और रोज़ा इफ्तार के बाद मिलूंगी आप लोगों से। तो यहाँ पे जो है छोला पुलाव बन गया था तो बस मैं थैलियों में पैक कर रही हूँ और यहाँ पे ये देखिए इनाया आ गई हैं क्योंकि ये छत पर थे और बारिश हुई थी तो ये नहा कर आए हैं, तो बस ऐसे ही आकर बैठ गई हैं और पुलाव में से जो है छोला उठाकर खा रही है। वैसे तो खाती नहीं है कुछ भी लेकिन मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ भरने के लिए, और मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि गर्म था ना तो मुझे जल्दी से ठंडा करके इसको भर के भेजना था क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था, इसलिए मुझे जो है यहाँ पर ठंडा कर रही थी। और इनाया जो है आई ऊपर से और बस उसको छोला दिख गया तो छोला उठा के खा लिया। वैसे कभी नहीं खाती है लेकिन पहली बार खाया उसने और यूँ ही बस चड्डी पहनकर घूम रही है। तो बस पहले मैं ये काम कर लूँ फिर उसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी और बस इसको पता नहीं कितनी गर्मी लगती है, बस नहाना नहाना बार बार नहाना रहता है और पानी बस दिख जाए तो फ़ौरन इसको खेलना है। और यहाँ जो है मैंने पॉलीथीन जो है पैक कर दी हैं तो थोड़े बहुत जो घर आसपास है ना उन्हीं में दिलवा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस वगैरह लगी रहती है इस टाइम पर भी शाम के टाइम पे क्योंकि इंसान निकलने ना लगे इसलिए। तो जो हमारे आसपास कॉलोनी में घर हैं तो उन्हीं में मैं दिलवा रही हूँ। तो जीसान और ये दोनों जने जाएंगे साथ में बाइक से। सर अब मटका रख गया है, कल ही ये लेकर आए थे मटका, तो एक मटका यहाँ के लिए और एक मटका नीचे के लिए लेकर आए थे, लेकिन अभी क्या पापा ने मना कर दिया था आज के आज नहीं रखो कल रखना, तो ये रखा है धुला हुआ उनका मटका। वैसे आज ही भर रही थी क्योंकि आज पानी की बोतल आई थी ना तो इसलिए, लेकिन पापा ने नहीं भरवाया है तो अभी यहीं पर रखा है, जब बोलेंगे तो रख देंगे। तो बस मेरे सारे काम हो गए हैं तो बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग का मैं एंड कर लेती हूँ, तो एंड करने से पहले लूँगी नाम और बर्थडे विश करूँगी तो मैंने लिख कर रख ली है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है एक बात शेयर कर रही हूँ, एक बात की एक खुशी शेयर कर रही हूँ और वो है हमारे यहाँ आई एक नन्ही सी परी, प्यारी सी परी, तो उसका फोटो देख लीजिए आप लोग। बहुत ही क्यूट है ना, तो ये मतलब मेरे ससुराल साइड नहीं मेरे मायके साइड हुई है, तो मेरे मायके में जो है खुशियाँ आई हैं
मेरे मामू हैं, बड़े मामू, उनके छोटे लड़के के यहाँ पर ये लड़की आई है और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी, क्योंकि उनकी वाइफ भी बहुत क्यूट सी है ना। तो सबसे पहले अरमान और नजराना को बहुत बहुत मुबारक हो, और जो तुम्हारे यहाँ ये पहली बेटी, मतलब पहली बार बेटी जो होती है ना, वो नसीब वालों के यहाँ होती है। तो तुम बहुत नसीब वाले हो, तुम्हारे यहाँ बेटी आई है, अल्लाह की रहमत आई है, अल्लाह पाक तुमसे खुश है, इसलिए तुम्हारे यहाँ बेटी दी है। तो बस बहुत खुश है, मतलब मैं क्या बोलूँ। और जब मैं जाऊँगी मुरैने, कभी चक्कर लगेगा, तब मैं आप लोग को जो है उससे रूबरू कराऊँगी, मिलवाऊँगी। और वैसे काफ़ी बार वीडियो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, अरमान को और नजराना को, मेरे ईद की जो वीडियो है उसमें भी मैंने आप लोगों को मिलवाया है। और बस अभी मम्मी के टाइम पर गई थी, तब शायद नहीं मिलवाया है, क्योंकि उस टाइम पर वो नहीं आई थी जिस दिन 40वीं की फातिहा थी ना, उस दिन आई थी। तो बस बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनका 10वां महीना जो है पूरा होने वाला था, तो उसको लेकर थोड़े दिन से जो है टेंशन से चल रही थी। जब मुझे पता लगा था कि 10वां महीना पूरा होने वाला है और मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अब क्या हो, फिर ये क्या कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसको लेके मुझे थोड़ी सी टेंशन अलग से थी कि इस टाइम पर जिनकी डिलीवरी होना होगी वो कैसे होंगे, मतलब थोड़ा सा डर रहता है ना हॉस्पिटल वगैरह में जाने से। तो बस, तो फिर जो है कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उनका जो है ऑपरेशन से जो है लड़की हुई है। तो चलो कोई बात नहीं है, ऑपरेशन हो या नॉर्मल, बच्चा और जच्चा दोनों सही होना चाहिए। तो बस माशाल्लाह से दोनों स्वस्थ हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस बच्चा जच्चा दोनों ठीक हैं, यही हमारे लिए ठीक है। तो एक बार फिर से नजराना और अरमान को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी प्यारी सी नन्नी परी। और बस अब मैं नाम ले देती हूँ, सबसे पहले बर्थडे विश कर देती हूँ। तो नाम है रेहाना परवीन, नूरुल्ला शरीफ, रजनी टंडन, जोया, खुशी अब्बास, तस्कीन। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और नाम है अरहम, नफीसा खान, फरीन सहारियर, केसर अंजुम, अलमास शेख, साइमा आर खान, अनित खेरालिया, सना अंसारी, अनीशा, अनम जमील, सोहिल तनवीर, नीलोफर मकरानी, सफीना सबा खान। तो ये नाम है। और आप लोग भी जो है हमारे घर की प्यारी नन्ही सी परी को बहुत सारी दुआएं देना। तो बस इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। या दुआओं में याद रखना।